किसान हमारे भगवान हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा संकल्प है किसानों की आय दुगना करने का। उस दिशा में लगातार मोदी जी काम कर रहे हैं। ये तीनों कृषि कानून उस दिशा में क्रांतिकारी कदम है जो किसानों की जिंदगी बदल देंगे। लेकिन वो नेता जिन्होंने अपने शासन में किसानों के लिए कुछ नहीं किया, राहुल गांधी, शरद पवार जी, कांग्रेस और विपक्षी नेता जिन्होंने किसान को दिवालिया बना दिया, वो अब किसान के नाम पर राष्ट्रपति महोदय के पास, महामहिम राष्ट्रपति महोदय क्या जा रहे हैं? ये दिवालियापन नहीं तो क्या है? इन्हें जनता ने नकार दिया, किसानों ने धकिया दिया, इनका आह्वान बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। अरे इन्हें तो किसानों से माफी मांगनी चाहिए, ये किसानों की बदहाली के जवाबदार लोग हैं। सब तरफ से नकारे जाने वाले लोग आज किसान हितैषी होने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन जनता इनके पाखंड को पहचान चुकी है। मध्य प्रदेश में बंद इनके द्वारा जो आह्वान किया था पूरी तरह से विफल हो गया। किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं। मध्य प्रदेश के किसानों को भी धन्यवाद देता हूं, उन्होंने बंद को विफल किया और इस विश्वास के साथ कि किसानों के कल्याण में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमारी सरकार सबसे पहले किसानों की और गरीबों की सरकार है, उनकी भलाई और कल्याण के लिए लगातार कदम उठाए जाए। देख रहे हैं स्टार डी न्यूज़, हर खबर का असर।